जरा इन तस्वीरों को देखिए। कल तक जिस महिला के आंसू, बेबसी और लाचारी को देखकर आपका भी दिल बैठा जा रहा होगा, इस महिला की गोद में उसका पति खून से लथपथ हालत में पड़ा है। रोती बिलखती महिला चीख चीख कर अपने सुहाग को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद भीड़ से भीख मांग रही है, लेकिन जब उसकी घिनौनी करतूत बेपर्दा हुई तो यकीन मानिए आपके आंसू भी गुस्से और नफरत में बदल जाएंगे। जी हाँ, इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक खौफनाक चेहरा, एक शैतानी सोच। जिस इंसान के साथ इस महिला ने अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए थे, उसी पति को इस महिला ने अपने आशिक के लिए अग्नि कुंड में झोंक डाला। एक नाजायज रिश्ते को जन्म देने के लिए अपने पति को मौत की नींद सुला डाला। ये खौफनाक कहानी बिहार के सिवान की है, जहां बीते 8 दिसंबर को सिवान रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े फैजल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। फैजल अपनी बीवी के साथ काठगोदाम एक्सप्रेस से सिवान से कोलकाता जाने के लिए जैसे ही स्टेशन पहुंचा, इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद सिवान स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन जीआरपी पुलिस ने इस हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, और जो सच पूरी दुनिया के सामने आया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मृतक की पत्नी और जो हत्यारा है, इनका काफी पुराना संपर्क था। ये लगातार आपस में मोबाइल फोन से बातचीत किया करते थे और संपर्क में थे। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से सारा विषय सामने आया, इन दोनों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया मामले को। रेलवे स्टेशन पे दोनों की सहमति से वो आए और उसके बाद उनके द्वारा हत्या कर दी गई। शर्ट और मोबाइल तो नहीं मिल सका, चूँकि बहते पानी में शर्ट बह गया और मोबाइल नहीं मिल सका, लेकिन पिस्टल की बरामदगी हो गई है और इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। दरअसल फैजल की हत्या की साजिश 3 महीने पहले से रची जा रही थी और आरोपी महिला का अजहर नाम के शख्स से शादी से पहले अफेयर चल रहा था। फैजल की पत्नी हमेशा अपने आशिक के पास जाने के लिए उस पर दबाव बना रही थी, जो फैजल को मंजूर नहीं था। आखिर में अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर उसकी हत्या करा दी। पुलिस ने आरोपी के पास से वो पिस्तौल भी बरामद कर ली है जिसका इस्तेमाल इस वारदात में किया गया था। सारे लोगों का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया हम लोगों के द्वारा और उसके बाद छापेमारी की गई, जिसमें अजरुद्दीन उर्फ अजहर उर्फ दुलारे, जो नवलपुर के रहने वाले हैं सिवान टाउन के, उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा सारे मामले को कबूल किया गया। दरअसल पुलिस को इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में ये वीडियो मददगार साबित हुआ। जीआरपी ने मौकाए वारदात से जो सबूत इकट्ठे किए और उन्हें खंगालना शुरू किया तो पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं इस वारदात के बाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि सिवान स्टेशन पर जहां ये वारदात हुई वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।